हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की जो जर्नी होने वाली है हावड़ा टू रांची क्रिया योगा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 18615। और आज की जर्नी के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ AC3E कोच में, यानी AC3rd इकोनॉमी। ये करीब एक साल पहले लॉन्च किया गया था तो मेरा इस पे कभी जाना नहीं हुआ, तो अभी मौका मिल रहा है तो अभी इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। चलो अभी स्टेशन के अंदर चलते हैं। वैसे अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 22 पे और आज देख लो मेरे साथ देविका भी आई हुई है। तो हम लोग एक्चुअली रांची जा रहे हैं अपने एक रिलेटिव के वहाँ, वैसे ही कैजुअल ट्रिप है। तो आज मेरे साथ देविका, फर्स्ट ट्रिप है गाइस, एंड आई एम वेरी, मेरा फर्स्ट ट्रिप नहीं है, देविका का ये मेरे साथ पहला डुओ ट्रिप है। सोलो ट्रिप तो नहीं बोल सकता इसलिए डुओ ट्रिप। फिर भी बहुत एक्साइटेड। चलो अभी ऑलमोस्ट ट्रेन आने का समय हो रहा है, देखते हैं आगे चलते थोड़ा। अपना सीट नंबर है 11 और 14, इस साइड 19 है, 11 14 ये वाला। वैसे इस गेट के बाहर आपको मिल जाएगा ये वॉश बेसिन, यहाँ पे है मिरर, यहाँ पे CCTV है, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको इमरजेंसी के लिए हैमर, जो किसी भी इमरजेंसी के समय आप इसे लेके सब कुछ कांच वगैरह तोड़ सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। यहाँ पे सब कुछ AC वगैरह के कंट्रोल्स, काफ़ी सही और साफ सुथरा लग रहा है। और अभी भी ट्रेन छोड़ने का समय नहीं हुआ है, अभी कितना बज रहा है, अभी ऑलमोस्ट 9:20 हो रहा है, 9:30 को ट्रेन छोड़ने का टाइम है, देख लो ठीक 9:32 बज रहा है और ट्रेन छोड़ दिया है, एक मिनट लेट से छोड़ा बट कोई नहीं। अगर मैं इनके वॉशरूम की बात करूँ ना, काफी स्पेशियस सा वॉशरूम है और ज्यादा गंदा भी नहीं है, साफ सुथरा है। यहाँ पे मिरर जहाँ पे आप अपनी सुंदरता को सवार सकते हो, यहाँ पे है लैंप, यहाँ पे मिल जाएगा आपको हैंड वॉश और हाथ धोने के लिए। इस बार आपको कुछ अलग ही सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको पैर से प्रेस करना है और यहाँ देखिए पानी आ गया है। और यहाँ पे है हैंड शावर आपको क्लीन करने के लिए, वहाँ पे आपको एक मग भी मिल जाएगा। और ये है कमोड जो मैं नीचे ज्यादा तो नहीं दिखा सकता, और ये है फ्लश, और यहाँ पे नैपथलिन बॉल्स दिया गया है। तो ये जो 3 कोच है ना, नॉर्मल कोच से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये वाला कोच अगर आप देख लोगे, दोनों तरफ ही 3-3 करके बर्थ दिया गया है, वहाँ पे साइड अपर और साइड लोअर दिया गया है, बट इन बिटवीन जो स्पेस है ना वो थोड़ा सा कम लगा इस कोच में। मतलब आपको लगेगा बिल्कुल एक दूसरे के सामने ही बैठे हो आप लोग, मतलब स्पेस थोड़ा सा कम है। इस तरफ आप अगर देख लोगे, यहाँ पे ट्रेडिशनल जो कर्टन्स होते हैं, पर्दे होते हैं, वो नहीं दिया गया, बल्कि एक सनब्लाइंड दिया गया है, तो यहाँ पे अटक गया। पर इस सनब्लाइंड को आप एकदम नीचे यहाँ पे लॉक कर सकते हो। वैसे इसका जो मटेरियल है मैश वाला मटेरियल है, नेट, तो बाहर से उतना इजीली विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप देख लोगे तो एक बॉटल होल्डर बना हुआ है, मतलब वाह क्या टेक्नोलॉजी है इन लोग का, आजकल सब कुछ बदल दिया है, काफ़ी सही लगा। ऊपर अगर आप देख लोगे और एक बॉटल होल्डर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक रीडिंग लैंप दिया गया है, तो उसको आप इधर उधर कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी रीडिंग लैंप दिया गया है, ऊपर भी है और इस तरफ भी है। चलो देख लेते हैं ये चलता है कि नहीं। हाँ चल तो रहा है, बढ़िया है। और उसके साथ ही एक USB वाला फ़ोन चार्जिंग के लिए पॉइंट दिया गया है, काफ़ी सही बात है ये। और उसके साइड में आप देख सकते हो एक चार्जिंग सॉकेट अलग से दिया गया है, और ये लाइट वाला स्विच है। यहाँ पे देख लो एक मिरर बना हुआ है जो कि कवर्ड है, पता नहीं क्यों कवर्ड है पर है मिरर। और ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया है ये बहुत ही मतलब सॉफ्ट वाला मटेरियल है, तो काफ़ी मतलब आराम होगा। और ऊपर में भी रीडिंग लैम्प और चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। इस तरफ आप अगर ऊपर देखोगे तो वहाँ पे भी अच्छा वाला मटेरियल और चार्जिंग सॉकेट बाकी सब कुछ दिया गया है। तो चार्जिंग सॉकेट जो है चारों तरफ हर एक सीट में दिया गया है, और ये यहाँ पे अगर आप बैठोगे तो अपना फ़ोन आराम से चार्जिंग सॉकेट में रख के आप फ़ोन चला सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरफ आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है ना, इतना टेक्नोलॉजी मुझे देखने को मिला। यहाँ पे आप अपने पैर के, यहाँ पे एक AC वेंट सा बना हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये साइड में, इसको आप बंद भी कर सकते हो और AC का हवा तो
आ रहा है वैसे काफ़ी तेज। सो इसको आप चाहते हो तो इसको खुला भी रख सकते हो, बंद भी कर सकते हो। वैसे ये जो एसी वेंट है चारों तरफ हर एक सीट पे लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी के नाम पे इन लोग ने भर भर के अपडेट्स किया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चढ़ने के लिए बिल्कुल सीमलेस सा एक्सपीरियंस बना दिया है। कोई भी मतलब किसी भी एज का पर्सन यहाँ पे आराम से चढ़ के बैठ सकता है। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, मतलब सब कुछ इतना कुछ अपग्रेड किया गया है तो काफ़ी सही बात है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा साइड टेबल टाइप का बना हुआ है जहाँ पे आप अपने बॉटल वगैरह चाय वाय सुबह को रख के पी सकते हो या फिर कुछ सामान रख सकते हो। तो ट्रेन तो हम लोग का मस्त चले जा रहे हैं। भूख हम लोग को वैसे है नहीं क्योंकि हम लोग घर से ही खा के आए थे, दो तीन मूवीज डाउनलोड करके लाए हैं, वही पूरा था। तीन मूवी डाउनलोड किया और मैंने तो पूरा सीरीज ही डाउनलोड कर डाला। मैं लिटरली तीन मूवीज डाउनलोड करके आया। नींद हम लोग को आएगा नहीं, वैसे मूवी देखते देखते पूरा रात कट जाएगा। थोड़ा सा ही छोटा सा जर्नी है और अभी ऑलमोस्ट 9:46 हो गया है, 10 बजने को आया है, 5:30 बजे पहुंचने का समय है। देखते हैं ट्रेन कब घुसाता है। अभी थोड़ा बैठते हैं, बातचीत करते हैं और क्या, पूरा नाइट बस हम लोग को कैसे भी करके गुजारना है। इस वाले ट्रेन में ये वाला हेड स्पेस बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ऐसे मतलब अगर आप लंबे हो तो फिर आप शांति से नहीं बैठ पाओगे, ये सर टकरा जाएगा पूरा। और इसका एसी वेंट बड़ा यूनिक लगा मेरे को। फिलहाल मैं यहाँ पे अपना मूवी एंजॉय कर रहा हूँ और देविका यहाँ पे सो रही है, देख लो। चलो मिलते हैं। अभी देख लो खड़गपुर जंक्शन आ गए, इसके बाद झारग्राम आने वाला है, घाटशिला, टाटा जंक्शन, मूवी जंक्शन, फिर आएगा रांची 5:40 को, देखते कब घुसाता है। अभी बस खड़गपुर जंक्शन आ गए हैं, बस 5 मिनट का स्टॉप है, ज़्यादा देर रुकेगा नहीं। और मेरे को और देविका को तो नींद ही नहीं आ रहा है, हम लोग बस अपना मस्त ईयरफोन लगा के मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं। अभी देखते हैं, ज़्यादा नींद आएगा तो थोड़ा सो जाएंगे वरना मूवीज़ देख के ही पूरा रात निकाल देंगे। और देख लो खड़गपुर से भी हम लोग का ट्रेन फाइनली छोड़ दिया है स्टेशन में। दरवाज़ा वैसे मैं बंद कर देता हूँ। रात के 4:30 हो रहे हैं और यहाँ पे मूरी स्टेशन में करीब 1 घंटे का हॉल्ट लिया गया है, पता नहीं काफी टाइम हो गया है। वहाँ एक गाय रात के ठंड में घूम रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा इतना देर तक ट्रेन को रुकवाया क्यों गया है, मतलब काफी टाइम से यहाँ पे स्टॉप ही गया है। अभी तो फिलहाल हम लोग हैं मूरी स्टेशन पे और टेम्परेचर देख सकते हो 16 डिग्रीज हो रहे हैं, मतलब काफी ठंड हो रहा है यहाँ पे और लिटरली हवा चल रहा है और मतलब कान सुन हो रहे, इतना ठंड लग रहा है पता नहीं। और यहाँ पे तो हॉल्ट काफी देर से हो रहा है, करीब 1 घंटे से ऊपर होने को आया है, देखते हैं कब जाता है। ट्रेन तो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर का लेट ही है, अब मुझे लग रहा है 6:30 बजे ही घुसाएगा रांची। ट्रेन तो फाइनली छोड़ दिया है, अभी काफ़ी तेज़ी से ही जा रहा है पर फिर भी मुझे लग रहा है 6:30 बजे के पहले हम लोग नहीं पहुंचने वाले। और बाहर इतना ठंड था जब मैं उतरा था, मैं जल्दी ऊपर आ गया और टोपी वोपी डाल लिया था, इतना ठंड में मतलब अगर गला वाला ख़राब हो गया तो बस हो गया। फाइनली गाइस हम लोग रांची पहुंच चुके हैं, फ्रेश वगैरह होके ट्रेन से ही निकल चुके हैं। अभी चलो जल्दी से चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर और स्टेशन से निकलते हैं। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं रांची रेलवे स्टेशन, जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो। अभी जल्दी से बहुत टायर्ड हूँ, ऑटो वाटो लेते हैं और चलते हैं। ट्रेन वैसे 5:30 को पहुँचाने का टाइम था बट 1 घंटा लेट में पहुँचा है भाई, देखते हैं अभी चलते हैं।
हाय। चुका हूँ अभी मैं हूँ फिलहाल अपने मासी के यहाँ पे, कुछ दिन रहने वाला हूँ, फिर यहाँ से अपने मामा के वहाँ भी जाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद आया हूँ तो काफी अच्छा सा लग रहा है। वैसे ट्रेन से उतरते ही रांची के सड़कों पे आते बिल्कुल अलग ही फीलिंग आ रहा था, मतलब इतने सालों बाद यहाँ पे आया हूँ, काफी कुछ बदल गया है। अभी जल्द से जल्द इस वीडियो को मुझे एडिट करना है और अपलोड पे भी लगाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ जल्दी से जल्दी, कुछ खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगा, फिर एडिटिंग पे लग जाऊंगा। वैसे ये मेरा पहला ट्रेन ब्लॉग था, तो अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आने वाला वीडियो मैं ट्राई करूंगा ऐसे ही टाइप का कंटेंट लाता रहूं आप लोग के लिए। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, नीचे कमेंट करके बताना आप लोग को क्या अच्छा लगा, और अगर अब तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको दबा के बन जाना इस फैमिली का हिस्सा, बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसे वीडियो में, टिल देन एडियोस। On. Oh, that's la la life, that's la la life. Baby, let it be, enjoy the memory. Oh, that's la la life, that's la la life.